थट्टा, देर इज अ प्लेस कॉल्ड थट्टा विच इज इन सिंध प्रोविजन, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान नाउ। तूने मास्क क्यों लगा लिया भाई? मास्क नहीं चाहिए मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, मसला नहीं है तेरे को, मास्क में डाल कर लिए। तो भाई मैं आगे कटिंग करा, सुबह सुबह उठा, उठते ही सबसे पहले मैंने कहा कि भाई चाय पीने चलते, चाय पीने आए तो यहाँ पे पता पूछा कि भाई कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है के पास में, जहाँ पे क्योंकि साउथ इंडियन वाले चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं, तो भाई से पूछने के लिए आए और भाई के पास ही कटिंग करवाने लग गए। तो भाई अच्छी सी कर दी, देख ली, मैं पूरी बांग्लादेश को दिखाने वाला हूँ ये वीडियो, ठीक है क्या? अच्छी क्या बात है भाई, कटिंग अच्छी कर दी लड़के ने ना, मतलब बेचारे ने मन लगा के कटिंग करी। हाँ बड़ा सोबर सा हमारे वाले भाई साहब, सब जो है बोला मैं मस्टांग लेनी है, यहाँ रोड पे मिट्टी चढ़ी हुई खड़ी है भाई मस्टांग पे। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभी दमाम, एक अच्छा सा शहर, एक खूबसूरत सा शहर, और देखिए हम सऊदी में आए और बारिश ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं आज तक जिस भी देश में गया हूँ एक दो बूंद तो ज़रूर गिरी है, तो यहाँ पे बारिश हो गई है शुरू। और मेरा प्लान था कि मैं यहाँ से बहरीन जाऊँ, तो बहरीन जाने के लिए मेरे को पुल क्रॉस करना था, पुल क्रॉस करने के लिए मुझे गाड़ी चाहिए थी, तो गाड़ी चाहिए थी, तो मैंने हमारे बड़े भाई को एक रिक्वेस्ट करी कि भैया कुछ तो बनता है, आओ लेके जाओ। तो भैया आगे कैसे हैं? बढ़िया, पकड़ ही लिया। थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर, कितने 40-50 किलोमीटर से आना पड़ा, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने धनों को कर लिया पैक, और अभी जो है मैं, ये गाड़ी है सर की, तो इस गाड़ी में रख के और धनों को हम जो है बहरीन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पुल क्रॉस करना पड़ेगा, और पुल की लंबाई है कितने, 25 किलोमीटर है क्या सर? 25 किलोमीटर लंबा पुल है ये, मतलब सी से मिलाता है एक्चुअली बहरीन, बहरीन इज लाइक आईलैंड, बहरीन कितना एरिया में है वो एरिया, तो जियोग्राफी इतना 750 स्क्वायर किलोमीटर एग्जैक्टली, इससे ज़्यादा नहीं है, और बहुत छोटा सा कंट्री है, सो कोई भी साइड आप चले जाओ तो आपको पानी ही मिलेगा, और देर इज ओनली वन वे टू कम इन एंड कम आउट, दैट इज खोबर, जो हम अभी ब्रिज क्रॉस करेंगे, दैट इज द ओनली रोड। अच्छा, इसको खोबर बोलते हैं, अलखोबर शहर का नाम है इधर वाले का, ये शहर का नाम अलखोबर है, हम दमाम में नहीं है, ठीक है, दमाम एरिया है, बट खोबर इज अ टाउन, एंड दैट इज द लास्ट टाउन बिफोर बहरीन, इसके बाद जो ब्रिज क्रॉस करोगे तो यू आर इन बहरीन। ब्रिज का नाम है किंग फहद कॉजवे, किंग फहद कॉजवे, किंग फहद सऊदी के किंग थे, उनके नाम पे। ओके ओके, सो इट्स कंसीडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रिज ऑन सी, ऑन सी। ये अंडर भी है क्या? ना ऊपर, सारा ऊपर है, सब ऊपर है, ओके ओके। मैंने यूरोप में है, जो आप स्वीडन वाली बात कर रहे हो, स्टॉकहोम वाली, तो वहाँ पे समंदर के नीचे से भी है थोड़ा सा, मैं वो अभी वहीं था रिसेंटली। तो ये जो है ये ऊपर बना है वो समंदर के अंदर से, और इसका ब्यूटी ये है कि जितना ये साइड में है सऊदी के साइड में, एग्जैक्ट रिप्लिका बहरीन के साइड में, अच्छा, दोनों कंट्रीज में उसका एग्जैक्ट सेम, इवन आपका चेक पोस्ट, कस्टम, पासपोर्ट ऑफिस, मॉस्क, एवरीथिंग यू विल सी सेम एज इट इज, ये जो साइड, ये साइड में जो दिखेगा सऊदी के, वही साइड आपको बहरीन दिखेगा। तो चलें हम, चलिए धनों को करूं पैक में। तो ये टोल आ गया, मतलब उसका ये एंट्री वाला टोल है, ये 2 दिनार लेता है, यानी 20 रियाल, 20 रियाल। अच्छा, अब दिनार में आने लग गया मेरे को, करेंसी आगे जाके पता चलेगा। ये देखो, ये हमने है ना आते टाइम पे किया 1.2 दिनार। अच्छा, किसका? ये इंश्योरेंस है आज के दिन का, एक दिन का। हाँ ओके, और हमने 2 दिनार वहाँ पे ब्रिज का टोल दिया। अच्छा, अभी यहाँ अपने को लगेगा ब्रिज का टोल 20-25 रियाल, क्योंकि एग्जैक्ट 10 टाइम्स का डिफरेंस है। ओके, मतलब रियाल और दिराम में। हाँ, एक दिनार 10 दिनार, दिनार कह रहा हूँ मैं, दिनार। अच्छा, बहरीन दिनार होता है, बहरीनी दिनार यहाँ के 10 रियाल। तो ये पुल का टैक्स है सिर्फ? हाँ, टोल टैक्स, ब्रिज का टैक्स, ब्रिज का टोल टैक्स। एग्जैक्ट, ये पोल जो है ना, ये पोल के एलईडी से लेके तो सब सेम रहेगा। सऊदी साइड चल रहे हैं अपन, बीच में वो कस्टम वस्टम आके फिर बहरीन साइड में चले जाएंगे। अभी हम सऊदी साइड में हैं। हाँ, सऊदी साइड स्कूटी अलाउड है ना? वो इनका रहेगा जो काम करने वाला रहेगा टोल पे, पर इन्होंने बाईसाइकिल अलाउ नहीं की यहाँ पे। बाइक तो अलाउड है ना, बाइक अलाउड है, पर साइकिल अलाउ नहीं है। हाँ, बहरीनी काफी, सॉरी सऊदी, बाइक भी गलत अलाउ की है वैसे तो इन्होंने सर। ना ना, बाइक, दो टावर दिख रहे हैं, सब सेम दिखेगा आपको दोनों साइड।
पासपोर्ट कंट्रोल वगैरह सब यहीं पे है, उस साइड में से ब्रिज होगा फिर वो बहरीन आएगा। वो जो लाइट दिख रहा है ना वो बहरीन है, इनको फंड करती है बहरीन को। ये एंटरटेनमेंट हब है बहरीन। ओके ओके, इसको तुम एले जीसीसी का, जीसीसी का एले सही बात है, डेफिनेशन अच्छी बनाई आपने इसको। अब हम जो है सऊदी के पासपोर्ट कंट्रोल में हैं। यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं नीचे करके बना रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने स्टैंप नहीं लगाई, वैसे ही दे दिया हमें, बस चेक किया, स्कैन किया पासपोर्ट को और वापस दे दिया पासपोर्ट, और एक जो आते वक्त व्हीकल्स की स्टैंप लगा दी। वीजा वगैरह कुछ नहीं मांगा, कमाल नहीं है ये, सिस्टम पे है, सिस्टम में उसको देख लिया होगा आपने, सिस्टम में आपको वीजा इशू हुआ है। अच्छा अच्छा, इट मींस ओके ओके, अंडरस्टैंड डन। अभी हम कस्टम में आ गए बहरीन, अभी यहाँ पे अपने को रुकना पड़ेगा। हाँ वो गाड़ी चेक करेंगे। हाँ बहरीन में है ना, सबसे बेस्ट पार्ट है बहरीन कंट्री छोटा है, डिजिटलाइज बोलोगे 100% डिजिटल है। अच्छा अच्छा, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐप के अंदर सब दिखता है आपको। ओके ओके ओके, गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ। ये अभी इंश्योरेंस वाला। अच्छा ये इंश्योरेंस, वो जो आप जाते वक्त लेके गए थे, चमक चमक आ गई है सर, चमक चमक आ गई, लाइटिंग आ गई, सब आ गया। यहाँ से राइट लेना, ये इधर पार्किंग लॉट में डालो। यहाँ का फ्लैग के अंदर ना रेड एंड व्हाइट है करके, तो इसलिए एवरीथिंग इज रेड एंड व्हाइट नाउ। ओके, और यहाँ पे फोटो फोटो आराम से बनाओ, जो बनाना है वीडियो बनाना है फोटो बनाना है सब करो सर। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि बहरीन बंदा रहेगा और उसको तुम तुम्हारा स्टोरी सुनाओगे तो हंसते खेलते तुमसे बात भी करते बैठेगा। अच्छा, यहाँ प्यार दो प्यार लो है, ये सब पूरा बहरीन रेड एंड व्हाइट कलर में मिलेगा आपको। अच्छा, सब तरफ लाइटिंग रेड एंड व्हाइट रहती है पूरा बहरीन को, पूरा बहरीन। तो अभी ताजा ताजा गया है तो अभी इन्होंने इसको चटाया नहीं, पूरा रोड सऊदी ने बना के दिया है। तो इसका जो रेवेन्यू होता है वो सऊदी को जाता है? नहीं नहीं जाता का बहरीन। लो भाई, साइकिल बाबा की विश्व यात्रा के 103वें देश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पहुंच गए हैं बहरीन और भाई साहब के घर पे पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा करूंगा रेस्ट यहाँ पे, थोड़ी देर बाद में एक बार मंदिर में जाके आऊंगा और फिर जो है कल सुबह थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। वीडियो दो चार दिन लेट आ रहे हैं तो थोड़ा गलती क्लियर हो गई। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए पिपल और त्रिवेणी लगाई गई है, कबूतर बहुत सारे हैं। ये जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब आए थे उन्होंने दीप भेजा। अच्छा, यहाँ पे आके देखे गए थे? आए थे, मंदिर विजिट किया था मोदी जी ने। आप नीचे जाके हम लोग ये करेंगे, वीआईपी डिग्निटरी आते हैं यहाँ स्टेट विजिट पे, वो यहाँ ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। जैसे कि सिंगापुर प्रेसिडेंट है, लॉ मिनिस्टर है, हार्ट ऑफ क्राउन प्रिंस ऑफ बहरीन और ये किंग चार्ल्स। अच्छा, जब वो आए थे यहाँ, ये जो करंट किंग जो है हमद, किंग हमद उनके पिताजी है। ये अमरकुंज जो महोत्सव है और हर 3 महीने यहाँ ब्लड डोनेशन काम हम लोग अरेंज करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, ताकि वो जरूरतमंद लोगों के काम आ सके। अरे वाह, हर 3 महीने और ऑन एन एवरेज 200 के ऊपर डोनर तो रहते हैं। या जैसे होली है, शिवरात्रि है, सब पूरा साल कैलेंडर भरा रहता है उत्सव से। जितने भी उत्सव आते हैं यहाँ ट्रेडिशनली ये करते हैं। अब ये महाराष्ट्र आ रहे हैं इंडिया से प्रवचन देने। अच्छा, साल में 2-3 बार ऐसे इंडिया से
महाराष्ट्र से आते हैं। अच्छा, अच्छा। कोई पुष्टि मार्गीय होते हैं, कोई नॉन पुष्टि मार्गीय होते हैं, बट उनका मेन जो है फोकस इज ऑन स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस, वेदर दे आर फ्रॉम चिन्मय मिशन, वेदर दे आर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये मंदिर है जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो इनकी सेवा प्रणाली है वो पुष्टि मार्ग की है। अच्छा। जिसके फाउंडर थे श्री वल्लभाचार्य, उन्होंने 1539 में जो उन्होंने ये किया था पुष्टि मार्ग, एक सेवा का ये है। तो यहाँ पे कब पहला हुआ? 1800 से। हाँ, ये जो है ये ऑडिटोरियम है बड़ा वाला। अच्छा अच्छा। ये स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस, पूजा, फंक्शंस वगैरह सब इधर होते हैं। ओके। और ये यहाँ गिरिराज का भाव स्वरूप है। अच्छा, छोटा वाला। ओके। तो सुबह हर सुबह 6:10 को मंगला आरती होती है, फिर 11 बजे राजभोग आरती होती है, और 6:45 को शयन आरती होती है ऊपर। अच्छा। मंदिर में रोज शाम को 7 बजे यहाँ आरती होती है गिरिराज की। और ये है शंकर भगवान का स्वरूप, इसमें श्रावण महीने में स्पेशली 45 डेज तक इधर लिंग लिंग प्रतिष्ठापना होती है, और श्रावण महीने में डेली आरती होती है यहाँ। तो मतलब इंडिया के बाहर है ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब जो है ये भाटिया कम्युनिटी की वजह से है। भाटिया कम्युनिटी ये मंदिर जो है ये इट इज मैनेज बाय ठट्ठाई भाटिया हिंदू कम्युनिटी। ठट्ठाई भाटिया उनके पूर्वज जो यहाँ आए अभी उनकी बेसिकली फ्रॉम गुजरात है। नो नो, एक्चुअली दे आर फ्रॉम प्लेस कॉल्ड ठट्ठा। ठट्ठा, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड ठट्ठा व्हिच इज इन सिंध प्रोविंस, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान नाउ। अच्छा। सो दोस डेज इट वाज अनपार्टीशन। बिल्कुल बिल्कुल। इट वाज कॉल्ड एज ठट्ठा नगर हवेली। ठट्ठा नगर। ओके। तो फिर पार्टीशन के बाद में वो लोग यहाँ आए। बेसिकली दे यूज टू कम हियर फॉर ट्रेडिंग। द इंडियंस आर कमिंग हियर सिंस 200 ईयर्स। हालांकि किंग चार्ल जो यहाँ आए थे वो ही केम टू कॉमेमोरेट 200 ईयर्स ओल्ड टाइज बिटवीन यूके एंड बहरीन। बहरीन वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। द गवर्नर ऑफ मुंबई वॉज द हेड ऑफ द अफेयर्स। Okay. He used to look after the affairs of the Gulf countries. Okay. तो हम आपकी यात्रा में आपको सुयश और शुभकामनाएं देते हैं। शुक्रिया। मंदिर की ओर से, ठट्ठाई भाटिया कम्युनिटी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से। और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो ठाकुर जी सब पूर्ण करें। थैंक यू सो मच। हम आपकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। Please take care and come again.